हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडिफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच एक नए टॉपिक के साथ, जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, उसका आज हम लोग आज कमिंग लेक्चर्स पढ़ेंगे। एंड आई होप आप सब पीछे के लेक्चर्स को पढ़ रहे होंगे अच्छे से। और तो आज हम लोग जो नया टॉपिक जो पढ़ेंगे हमारा रहेगा इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के बारे में रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के डेट में। बहुत ही इस कॉन्सेप्ट पे काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रहे हैं हर चीज़ को इंटीग्रेटेड रूप में काम करने के लिए, ठीक है। और बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स, वही हमेशा की तरह गर्मी बहुत है, धूप बहुत हो रही है, घर के अंदर रहें, धूप से बचें, खूब पानी पिएं, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं, जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, इसको इस टॉपिक को हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कम से कम 3 पार्ट में वो कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, तो आपको अच्छे से समझ में आने के लिए इसे हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं टॉपिक के बारे में, आईडीएम प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, फर्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये जो आईडीएम है, कहीं कहीं पे आईपीडीएम भी लिखा रहता है, आईपीडीएम इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है उन चीज़ों से कि ये दोनों अलग अलग तो नहीं होते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों एक ही हैं, बट नाम अलग अलग है, कहीं कहीं लोग अलग अलग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, आइदर इट इज रिटेन इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, यू डोंट नीड टू बी कन्फ्यूज, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्टेनेबल टेक्निक टू कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज इन एग्रीकल्चर दैट मिनिमाइजेज निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड इंश्योर्स लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। आईडीएम क्या है, ये कैसे अप्रोच है, कैसे सस्टेनेबल टेक्निक के अप्रोच है, एक सस्टेनेबल मेथड है। सस्टेनेबल बोले तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सतत बोलते हैं, एक निश्चित तरीके से बोलते हैं, एक ऐसे टेक्निक हैं जो प्लांट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। ऐसे मेथड हैं जिससे क्या होता है, जब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में जो निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो कम होने के संभावनाएँ होते हैं, चांसेज होते हैं। और जब उस मेथड को हम यूज़ करते हैं तो हमारे प्रोडक्टिविटी को लॉन्ग टर्म तक क्या होता है, बढ़ता है, हमारा प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है, हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट क्या होते हैं, इको फ्रेंडली रहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे मेथड है आईडीएम जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने फील्ड में डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये आईडीएम, इसी तरह आपके कंसेप्ट आ जाएंगे आईडब्ल्यूएम, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो अलग अलग जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या अपना रहे हैं, ठीक है। वीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या इंटीग्रेटेड अप्रोच बना रहे हैं, तो ये जितने भी इंटीग्रेटेड टर्म लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक इंडिकेट करते हैं, हॉलिस्टिक मेथड को इंडिकेट करते हैं, सस्टेनेबल टेक्निक को इंडिकेट करते हैं, जिससे क्या होता है, जिस अगर मेथड को हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या है, हमारे इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली होते हैं और हमारे जो भी हर चीज़ का हेल्थ, एक तरह का सॉयल का बोले, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बोले, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बेनिफिशियल होते हैं और अच्छे होते हैं, इसलिए इस मेथड को आजकल यूज़ किया जा रहा है। तो कुछ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, वही चीज़ है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ साइंस बेस्ड स्ट्रैटजी, ठीक है, इट इज़ अ साइंस बेस्ड स्ट्रैटजी, ठीक है, जिसको जिसका क्या काम काम है, इट इज़ अ साइंस बेस्ड स्ट्रैटजीज दैट कंबाइंस सेवरल इलनेस मैनेजमेंट टेक्निक्स टू प्रोड्यूस बेस्ट पोटेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा साइंस है जो कि बहुत सारे इलनेस, इलनेस बोले तो जो हमारे बीमारी होते हैं प्लांट में, तो उसको मैनेजमेंट करने का एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है, जो कि एक पोटेंशियल रिजल्ट देते हैं, पोटेंशियल रिजल्ट दे बोले तो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, कहने का मतलब, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट इन द सेंस कि हमारे इन्वायरमेंट पर उसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। वही कहने का मतलब है कि सेवरल इलनेस मैनेजमेंट, मतलब बहुत सारे जो इलनेस, जो डिजीज ऑकर होते हैं हमारे प्लांट में, उसको एक साइंस बेस्ड स्ट्रेटजी है जिसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ, आईडीएम सिक्स अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक वायबिलिटी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सोशल वेलबींग।
आईडीएम जो होते हैं ये हर चीजों को, हर पहलुओं को लेकर चलते हैं, ठीक है। आईडीएम अगर इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं तो हमारा इकोनॉमिक इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिक बोले तो आर्थिक स्थिति भी हमारा सही रहेगा, वायबल रहेगा, इन्वायरमेंट को भी हम कंजर्व कर सकते हैं एंड सोशल वेलबींग। और हम जब ये जब इकोनॉमिक हमारा सही हो रहा है, इन्वायरमेंट को हम सही तरीके से कंजर्व कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, हमारे सोसाइटी भी सही रहेंगे। कैसे करते हैं ये सब आगे हम लोग देखेंगे। आईडीएम एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग अगर कोई किसान केवल केमिकल्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फील्ड पे, तो हमें पता है कि जो भी हम लोग इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स यूज करते हैं बहुत ही महंगे होते हैं। तो अगर कोई किसान उसी पे डिपेंडेंट है तो क्या होगा, उसका इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव नहीं होंगे और इकोनॉमिक जो वायबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है और ख़राब होते जाएंगे। तो आईडीएम में क्या है, हमें हर मेथड को यूज करना है टाइम टाइम पर, जिससे क्या हो, इकोनॉमिक वायबिलिटी को मेंटेन कर सकें और इन्वायरमेंट को भी कंजर्व कर सकें और साथ ही साथ हमारा सोसाइटी भी सही रहे, ठीक है। हमारे सोसाइटी में भी लोगों पर कोई उसका हार्म ना हो। आईडीएम फोकस ऑन प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस एंड द यूज ऑफ अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, ठीक है, टू मेंटेन हेल्दी प्लांट पॉपुलेशंस एंड ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड्स। आईडीएम क्या है, एक ऐसा अप्रोच है जो किस पे, प्रिवेंशन के लिए फोकस करते हैं, जनरली अर्ली डायग्नोसिस, पहले हम पता लगाते हैं को कौन सा डिजीज लगने वाला है, और ऐसे यू वैरायटी ऑफ मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि प्लांट पॉपुलेशंस को, हेल्दी प्लांट पॉपुलेशंस को सही तरीके से कंट्रोल कर ले और साथ ही साथ हमें मैक्सिमम यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हमें अपने फील्ड से मिले, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस स्ट्रेटजी इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न एग्रीकल्चर वेयर रिड्यूसिंग केमिकल इनपुट्स एंड इनकरेजिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर क्रिटिकल। ये जो स्ट्रेटजी है, कौन सा, आईडीएम या आईपीडीएम, ये मॉडर्न एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, स्ट्रेटजी है, जहाँ पे हमें केमिकल इनपुट्स को कम अप्लाई करना है और साथ में हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो उस स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं, आईडीएम, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। आगे के स्लाइड में देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्या है हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, हम जब इससे अप्लाई करते हैं फील्ड में तो इसके क्या महत्व है। पहला क्या है आपका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल मतलब इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कंसेप्ट को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदे हैं, हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, पहला। दूसरा क्या है, रिसाइलियंस टू डिजीज आउटब्रेक्स, क्या है कि डिजीज को आउटब्रेक, जो डिजीज जो आउटब्रेक हो रहे हैं उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारे जो इसमें मेथड होते हैं उसके माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिसाइलियंस उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस केमिकल यूजेज, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम आईडीएम कोई के इंसान यूज कर रहे हैं तो उससे क्या है, केमिकल यूज को भी वो कम कर सकते हैं, इकोनॉमिक वायबिलिटी हमारे इंप्रूव होते हैं किसान के, रिड्यूस्ड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो इन्वायरमेंट में जो इम्पैक्ट होते हैं वो क्या, वो भी कम होते हैं। दूसरा क्या आपका, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, जब आईपीडीएम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कंसेप्ट आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारा पब्लिक हेल्थ भी, हमारा सोसाइटी भी सही रहेंगे, सोशल वेलबींग पे हमारा किसी प्रकार का मतलब डिजीज का वहाँ पे स्प्रेड नहीं होगा, जब डिजीज स्प्रेड नहीं होगा, इन्वायरमेंट हमारा फ्रेंडली रहेगा, ये हमारा इकोसिस्टम अच्छे रहेंगे तो क्या होगा, हमारा हेल्थ भी सही रहेगा। एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, और ये मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं आईपीडीएम, ये इजली क्लाइमेट जो चेंज हो रहे हैं उसके प्रति अडेप्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। प्रिजर्विंग बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स, और कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादा हम केमिकल्स का इस्तेमाल करें अपने फील्ड में तो क्या होते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे मिट्टी में हो गया, चाहे हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनका कम होता है पॉपुलेशन, बट आईपीडीएम, आईडीएम को जब हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो उसको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं उसके पॉपुलेशन को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्या है हमारा टॉपिक, यहाँ जो हमारा टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, छोटा टॉपिक है, ठीक है, चाहे इसको हम लोग फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे, ये अलग कॉन्सेप्ट आपके आगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा वो क्या था आपका, आईडीएम और इम्पोर्टेंस क्या है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, फिर ये, देन आफ्टर हमारा टूल्स आएगा, मतलब हम लोग इसे 3 से 4 लेक्चर में इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, और आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, एक बार में बर्डन आप पे भी ना हो, ठीक है।
So thank you very much, my dear students, and may God bless you.